नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से मुख्य परीक्षा एवं प्राइमरी परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं एवं एक्यूरेट नोट्स हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 283 पदों के लिए 355,000 उम्मीदवार मैदान में है। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 का जो आयोजन है वह 19 जून को किया जाना है, जो कि दो पालियों में किया जाना है। पहले इसमें संशय था कि यदि चुनाव होते हैं तो परीक्षा कैसे होगी, लेकिन अब प्रथम चरण के चुनाव 25 तारीख से प्रारंभ होने के कारण यह परीक्षा अपने निर्धारित समय से होगी। तो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 283 पदों के लिए 355,000 उम्मीदवार कैंडिडेट जो कि मैदान में है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में प्रतिस्पर्धा के स्तर का अंदाज़ा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि इसमें महज 283 पदों के लिए 355,000 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। और इसमें पहली बार है कि चार बार साइट ओपन की गई थी, पहले जनवरी फरवरी में, फिर उसके बाद अभी 2 से 11 मई के मध्य में भी हुई थी और अभी भी फिर से हुई थी। तो 355,000 उम्मीदवार ने आवेदन किए हैं। एक अधिकारी ने इनकी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रारंभ में परीक्षा दौर 19 जून को आयोजित होगा। इस तारीख को 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहला सत्र जो है वह 10 बजे से प्रारंभ होगा, 12 बजे तक चलेगा, और इसके बाद में जो दूसरा सत्र है वह 2 से 4 बजे तक चलेगा, और साथ ही साथ 10 तारीख से इसके एडमिट कार्ड भी मिलने लगेंगे। और यदि आप MPPSC क्रैक कैसे करें कम समय में, यदि आप चाहते हैं इसकी जो विभिन्न यूनिटें हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे नोट्स आदि के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको बताएं तो आपको मेन रूप से जो आपको मध्य प्रदेश पर फोकस करना है, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, और इसी के साथ साथ आप यूनिट 7 देखते हैं जो कि साइंस फील्ड, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे प्रमुख रूप से है, तो इसकी तैयारी करते हैं आप यूनिट 8 जो कि करंट अफेयर से, यूनिट 9 जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारी है, एवं यूनिट 10 जिसमें आपको विभिन्न आयोग, उनके गठन कब हुए, उनका शासनकाल कैसा है, कौन इनकी नियुक्ति कौन करता है, पदच्युत कौन करता है आदि प्रमुख जानकारी। यदि आप यूनिट 7, 8, 9, 10 कर लेते हैं क्लियर, तो आपको प्रमुख रूप से जो होगा आपकी 30% तैयारी, 40% तैयारी हो जाएगी। और यदि आप MP अच्छा कर लेते हैं तो 30% तैयारी हो जाएगी मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति आदि, तो आपके इस प्रकार से 70 नंबर के आसपास का क्लियर हो जाएगा। और आप निश्चित रूप से MPPSC प्रारंभ में परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, और आपके कुछ तुक्के भी लग जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसमें सफल हो जाएंगे। तो यदि आप करना चाहते हैं तो मेन फोकस आप मध्य प्रदेश पर करें, उसके लिए आप परीक्षा मंथन आदि, कबीर पब्लिकेशन की भी कई पुस्तकें हैं, उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं इसके बाद तथ्यवाण भी एक अच्छी पुस्तक है, उसमें व्यवस्थित रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदा पठार आदि जनजातियों की प्रमुख जानकारियां दी हैं। और यदि आप चाहते हैं तो और भी प्रमुख तरीकों से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अंजाम दे सकते हैं। और अब आपका समय आ गया है कि प्रतिदिन आप 200 से 300 MCQs प्रतिदिन लगाएं, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है सिर्फ MCQs। यदि आप MCQs व्यवस्थित रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए इसका लाभ देखने को मिलेगा। कई लोग MPPSC की जो लूसेंट है उसको कारगर मानते हैं, तो यदि आप लूसेंट आप पढ़ने का इतना तो समय नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें जैसे कि भारतीय संविधान और भारत का भूगोल और भारत की जो प्राचीन चीज़ें हैं उन्हें देख सकते हैं। अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो अब समय आ गया है करु या मरु की स्थिति पर। अब आपकी जो साधना है या जो आपकी मेहनत है उस पर सिर्फ कलशारोहण का समय आ चुका है। साधना के शिखर पर यदि आपको अपना कलशारोहण करना है तो आपको निश्चित रूप से प्रभावी रूप से इसकी तैयारी करनी होगी। MPPSC की यूनिट 1 जो है जिसमें मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति आदि का प्रमुख रूप से वर्णन है, उसको आपको क्लियर कर लेना है। मध्य प्रदेश का प्रमुख वंश 1857 की क्रांति से संबंधित निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कला एवं लोक संस्कृति है, चाहे वह मालवा, नेवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि हो, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ आदि से प्रश्न आएंगे। और यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में जो आपका भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल, पर्वत, पठार, मैदान आदि, कौन सा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र आदि प्रमुख रूप से पूछे जाएंगे। यूनिट 3 आदि में मध्य प्रदेश के, भारत का संविधान आदि का पूछा जाएगा। यूनिट 6 जो रहेगी उसमें उससे भी
संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 7 जो है उसमें आपके खाद्य प्रसंस्करण आदि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल आप जितना एमपी को तैयार कर सके यूनिट 7, 8, 9, 10 को देख सकें वह आपके लिए प्रभावी रहेगा। प्रतिदिन यदि आप दो दो आयोग भी पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से आयोग से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आप यदि सोचें एक दिन में हम केवल यूनिट 10 पढ़ें तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा। यदि आप दो दो घंटे भी सफिशियंट टाइम एक एक यूनिट के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदा रहेगा। और अब समय आ चुका है आर्य अपार की लड़ाई का। यदि आप कई वर्षों से एमपीपीएससी दे रहे हैं और लगातार आपको असफलता ही हाथ लग रही है तो आपको निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। आप जितना हो सके उतने से ज़्यादा यदि आप एमसीक्यूस लगाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन उतना ही दूर होगा और आपके जो कंटेंट है वह इतना क्लियर होगा और प्रभावी रूप से आपने सपना देखा है अधिकारी बनने का, आप उसे निश्चित रूप में प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए अब समय आ चुका है, सुअवसर आ चुका है जिसका आप समुचित मात्रा में प्रयोग करें मिंद्रा सर एजुकेशन पॉइंट चैनल की सहायता से। और अब आप रणभूमि में आ चुके हैं, 10 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आने लगेंगे और 19 जून को आपका पेपर है और सी सेट की तैयारी भी आप करते रहे। सी सेट में जो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड आदि संबंध प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ तो वैसे अनसीन पैसेज होते हैं जो कि आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे, उसके अलावा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनकी भी आप थोड़ी सी यदि प्रिपरेशन कर लेंगे। अब बिना प्रिपरेशन के ना जाए सी सेट की पेपर की प्रिपरेशन करें, सी सेट का पेपर भी आपके लिए कारगर रहेगा, वह भी आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ ही बने रहेंगे। धन्यवाद।